अगर वही सीरीज होती कि 2, 4, 6 एंड 8, तो आपको अगर ऐसा पूछे कि व्हाट शुड बी द सम ऑफ द एन टर्म्स, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 4 टर्म्स है टोटल, सो ये चारों टर्म का सम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, तो ओरली यू कैन से इट इज अ 20, बट टू फाइंड आउट सम व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दैट कि एन बाई टू, टू टाइम्स ऑफ ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी. देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज टू फाइंड आउट एंथ टर्म. नाउ एज इट इज अ सम तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देखो देखते हैं, फोर टर्म्स है तो एन इज इक्वल टू फोर, सो फोर बाई टू, टू टाइम्स ऑफ टू प्लस फोर है तो यहाँ पे थ्री आएगा, डिफरेंस इज टू, ये टू हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, टेन इंटू टू विच इज इक्वल टू 20. सो टू फाइंड आउट एनी सीरीज सम दिस फॉर्मूला इज यूजफुल, द सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देर इज अनदर अल्टरनेट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. नाउ ए इज वॉट, इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म. तो ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो? वेन यू नो अबाउट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो इस सीरीज के अंदर आपको दोनों टर्म पता है, फर्स्ट भी पता है लास्ट भी पता है, ठीक है, देन यू कैन नो यूज ऑल्सो. देखो फर्स्ट इज टू, लास्ट इज एट, तो टू प्लस एट टेन, फोर बाई टू टू, सो टेन इंटू टू इज इक्वल टू 20. तो दोनों में आंसर सेम आएगा. वेन एवर यू नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज तो यूज दिस फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल. अगर आपको नहीं पता है, आपको ऐसा पूछे कि फाइंड आउट द सम ऑफ 20 टर्म्स, एंड ये अपनी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है, तो दैट इज वाई आई यूज दिस फॉर्मूला. अगर लास्ट टर्म आपको दे दी है 20th टर्म के भाई 40 है और ये फर्स्ट 2 है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है. सो देर आर टू फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट सम ऑफ द एन टर्म्स. तो जल्दी से एक मिनट में लिख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम, टेक सम एग्जाम्पल्स. डिफरेंस सेम होगा तभी तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा ना. अगर डिफरेंस सेम है देन एंड देन वी कैन से इट इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है. अच्छा चलो, चलो ये एक सीरीज है, 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इसका सम क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, क्या होगा सम?
क्या होगा आंसर जल्दी से? हाँ एन तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, टर्म्स कितनी है। फोर जीरो एट आंसर नहीं, गलत है। नहीं, विद्यानगर गलत आंसर, इट इज द रॉन्ग आंसर। देखो इसमें मुझे तो एक दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू फाइंड आउट अ सम, द फर्स्ट फॉर्मूला इज एन बाई टू, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस, और द सेकेंड फॉर्मूला इज एन बाई टू ए प्लस एल। वाई? बिकॉज आई नो द फर्स्ट टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों मुझे पता है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म मुझे पता है, तो क्या करूँगा मैं, ये यूज करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे मालूम करनी पड़ेगी कि वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज वॉट? एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि फोर सिक्स एट ये वो, वहाँ तक 200 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला था, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड आउट वेदर द टर्म इज इन अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है दो दो। ठीक है, तो सब में डिफरेंस कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, सो दैट इज वाई द सीरीज इन अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वी कैन यूज दिस बोथ फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो डिफरेंस है दो का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर टू टू का डिफरेंस है, देखो आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो या तो फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू एंथ टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था एंथ टर्म का। एंथ टर्म आपको पता है 200, ए आपको पता है 4, प्लस एन आपको नहीं पता है, तो एन माइनस वन रख दो। अभी डिफरेंस है 2 का, कर दो यहाँ पे 196 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस 2। सो 2 टाइम्स ऑफ एन इज इक्वल टू 198 और एन इज इक्वल टू 99। ठीक है, सो या तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट द एन, अदरवाइज टू यूज सम कॉमन सेंस, कहना इसे 4 से स्टार्ट हो रहा है और हर एक में एक एक का डिफरेंस, यानी कि दो दो का डिफरेंस है, तो हर एक इवन नंबर अप टू 200 आ जाएगा। देखो अप टू 200 कितने इवन नंबर होते हैं, अप टू 200 देर आर ओनली 100 इवन नंबर्स, और यहाँ पे हमने फर्स्ट छोड़ दिया है 2, तो कितने बचे, 99। सो 99 अगेन आंसर आया। अगर ऐसा नहीं फिट बैठ रहा है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंथ टर्म आपको पता है लास्ट वन, तो यू कैन फाइंड आउट एन। और अगर ये मिल जाए एन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 99/2, फर्स्ट टर्म इज 4, लास्ट टर्म इज 200, सो दैट इज इक्वल टू 204। 2 से काट दो तो ये बचेगा 102, सो 102 इंटू 99। और 99 क्या लिख सकते हैं हम, 99 को 100 माइनस 1 इंटू 102,
So that is equal to 102 00 minus 102, that is equal to 10,098. This is your answer. आया समझ में? You can also use this formula. उससे करोगे तो भी answer आपका same ही आने वाला है. तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि how to find out n number of terms. या तो use this formula या फिर use some common sense. दो में से जो भी है. अगर कॉमन सेंस से अगर निकाल लिया तो अच्छी बात है, बिकॉज इट सेव्स योर टाइम. अदरवाइज इफ यू यूज दिस फॉर्मूला तो इट विल कंज्यूम सम मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो लिख लिया ना सबने. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 एंड lying between 102 to 199. चलो इसका हमें सम फाइंड आउट करना है. देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक तो पक्का है कि सम फाइंड आउट करना है, ठीक है. बट द थिंग इज द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 8, तो उसका मीनिंग ऑल इन ऑल क्या होता है कि हर एक जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, कहना इसे दो, हर एक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 8 ही होगा. तो यहाँ पे मुझे मिलता है कि डिफरेंस इज इक्वल टू 8, और किसके बीच में होना चाहिए तो कि 102 to 199. तो यहाँ पे एक चीज़ आप फाइंड आउट कर लो, एक तो आपको डिफरेंस मिल गया, अब क्या करना है तो कि फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर लो. चलो फर्स्ट ए क्या होगा, तो कौन सा फर्स्ट डिजिट है आफ्टर 102 जो कि 8 से डिविजिबल है. अगर आप इससे कोई डिविजल करो तो कहना इसे 2 यहाँ पे कम हो रहा है, 22 आ रहा है, तो 24 हो तो चल जाएगा काम. तो कहने से 104 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 आफ्टर 102. चलो नाउ लास्ट डिजिट क्या होगा, देखो 8 अगर 200 को डिवाइड करो 8 से तो परफेक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पे तो 199 तक ही लेना है हमें. तो कहना इसे 200 में से 8 माइनस कर दो तो बिकम्स 192, सो दैट बिकम्स योर लास्ट नंबर. अब एक ही चीज यहाँ पे कम है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग अ कॉमन सेंस और बाय यूजिंग फॉर्मूला. दोनों चीज़ आप कर सकते हो. जैसे कि nth टर्म आपकी 104 है इज इक्वल टू व्हाट योर सॉरी 104 नहीं 192 which is equal to 104 first term into n minus 1 into 8. So, double 8 is equal to 8 times of n minus 8. 8 times of n is equal to 96. N is equal to 12 terms. या फिर आप यूज कर सकते हो कि 8 है तो 102 को डिवाइड करेगा. टोटल 8 कितने को डिवाइड करता है, 100 में, पूरे एक जो 100 का बंच होता है, ठीक है. तो 100 के अंदर कितने टर्म्स होंगे जो 8 डिवाइड करेगा, अगर 104 से स्टार्ट करो तो
या फिर ऐसा ले लो कि 120 के बाद कितने टर्म्स होंगे, बिकॉज टोटल 80 बचते हैं, तो 80 में तो 10 टर्म्स डिवाइड होते हैं 8 से, तो 120 के बाद देर आर 8 टर्म्स विच इज़ डिविजिबल बाई 8, बट हमें 200 नहीं लेना है, तो देर आर ओनली 7 टर्म्स, और 120 के पहले कितने हैं, तो कि 120, 112 एंड 104, आया समझ में? सो 9 प्लस देर आर थ्री अदर, सो दैट इज इक्वल टू 12, या फिर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। चलो देन आफ्टर यूजिंग दिस वन यू हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट अ सम 12/2, फर्स्ट 102 प्लस 190, जो भी आपका आंसर है वो।